जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो लोगों को लगता है ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है, और ऐसा करने में कुछ पत्ते आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी डायबिटीज से परेशान हैं और इससे छुट्टी पाना चाहते हैं, तो आप घर में या घर के आसपास पाए जाने वाले इन पत्तों के इलाज को अपना सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक तुलसी, जैतून और गुड़माल के हरे पत्ते जमाने से डायबिटीज में राहत मिलती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुलसी के पत्तों से। दोस्तों, तुलसी के पत्ते वैसे भी कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिस वजह से ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कई डॉक्टर्स तुलसी के पत्ते जमाने की सलाह देते हैं। दरअसल तुलसी के पत्तों से निकलने वाले अर्क में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की पावर होती है। इतना ही नहीं, ये हाई ब्लड शुगर लेवल को भी तुरंत कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। अब है बारी जैतून के पत्तों की। दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करना है तो आप जैतून के पत्ते चबा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लगातार जैतून के पत्ते चबाने से इंसुलिन रेसिस्टेंट को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। दोस्तों, तुलसी और जैतून के अलावा गुड़मार के पत्ते भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए जाना जाता है। टाइप 1 या टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में ये फायदेमंद होता है। अगर आप इन्हें रेगुलर लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आपको फर्क समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है स्टेविया यानी मीठी तुलसी। दोस्तों, डायबिटीज मरीजों के लिए ये काफी फायदेमंद है। अगर आप मीठी तुलसी के पत्ते चबाते हैं तो कुछ ही घंटों में आपका ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पांचवें और आखिरी नंबर पर आते हैं शलजम के पत्ते। दरअसल शलजम में भरपूर फाइबर पाया जाता है जो डायबिटीज मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। ऐसे में अगर आप शलजम साग या उसके पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन के लेवल में भी सुधार होगा। दोस्तों, अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं और आपको लगता है इसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो आप आज से ही इन पत्तों का सेवन शुरू कर दें। फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।